देश की अगर निगाहबानी की बात हो तो गाजीपुर का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि गाजीपुर का वीर सपूत कभी भी अपनी शहादत देने में पीछे नहीं रहा है। कुछ यही हाल गाजीपुर के पखनपुरा का रहा है, जहां का वीर सपूत इश्तियाक खान गाजीपुर का नाम रोशन किया और आज उसी शहीद की शहादत को सम्मान देने के लिए गाजीपुर के सानंद सिंह, जो कि पर्यावरण जागरूकता और लेकर पद यात्रा पर निकले हुए हैं, आज जो है शहीद के गांव पहुंचे और उनके मजार पर पहुंच उनको सम्मान देने का कार्य किया। आप पद यात्रा पर निकले हैं, शहीद का सम्मान किया क्या? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर पर्यावरण जागरूकता अभियान एवं शहीद सम्मान यात्रा का कार्यक्रम हम लोग 2 अक्टूबर से चला रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत गाजीपुर जनपद के जितने भी लोग आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, आज़ादी के संघर्ष में और उस आज़ादी को अक्षुण रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा करके अमर शहीद हुए, उनके घरों तक हम लोगों को जाने का कार्यक्रम है। उनके माता पिता, उनके परिजन, उनके गांव के लोग कैसे रहते हैं, उनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं, इनके बारे में राज्य की सरकारों से और केंद्र की सरकारों से हम आग्रह करेंगे कि शहीदों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। वो भारत की एकता और एकता की अखंडता को रक्षा करने के अपने प्राण दिए हुए हैं, उनके लिए विशेष दर्जा का प्रबंधन होना चाहिए और हम सबको उन्हें सम्मानित करना चाहिए। एक तरफ एक बड़ा ये कार्यक्रम है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दिल्ली और दुनिया के भारतवर्ष के सभी महानगरों में लगभग 40 से 100 मौतें प्रदूषण की समस्या से हो रही हैं। तो पर्यावरण जागरूकता का अभियान यही है कि हम गांव-गांव में जाकर के एक चेतना करें, नौजवानों को आगे लाएं, बुजुर्गों से अपनी बात कहें। ये समस्याएं शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन गाँव के लोग अगर आज इसमें शरीक हो जाते हैं तो बहुसंख्या आबादी गाँव में रहती है। हम उसमें नौजवानों को, विद्यार्थियों को, सबको जोड़ना चाहते हैं। पढ़े लोग, बेपढ़ लोग, सब अगर पेड़ की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जो समस्याएं हमारे पेड़ों और जंगलों के कटने से हुई हैं वो दूर होंगी और एक स्वस्थ भारत पूरी दुनिया में आप सबको दिखाई देगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की एक साइकिल यात्रा हमारी चल रही है, जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी चौक से जम्मू से चली। वर्तमान समय में आज वो कल्याण मुंबई पहुंच चुकी है। कल परसों 3 दिन का कार्यक्रम मेरा मुंबई में है, वहाँ के विश्वविद्यालयों में, वहाँ के डिग्री कॉलेजों में, वहाँ के ITI या IITs में और गाँव में, शहरों में हम लोग जाएंगे और वहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि देखिए, आपका घर चाहे छोटा बड़ा हो, ये हो सकता है कि आपके घर में कोई जगह नहीं हो, लेकिन सड़कों के किनारे, पार्कों में आप सफाई रख सकते हैं, अपने घर में पॉलीथीन की दूरी बना सकते हैं, पॉलीथीन से दूर हो सकते हैं, जूट का बैग लेके चल सकते हैं, ताकि जितना आपसे हो सके, यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। मैं एक अगर बुद्धिजीवी हूँ, बुद्धिधर्मी हूँ, प्रोफेसर हूँ या बड़े कॉलेज का चेयरमैन हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो मेरी ड्यूटी इसमें सबसे पहले है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं और लोगों से बात करूं कि इसमें कोई बहुत बड़ी योग्यता की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खेतों में लगाइए, मज़ार पर लगाइए, स्कूल में लगाइए, जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पेड़ लगाइए। अगर आपको समस्या आती है तो जिलाधिकारी महोदय से, SDM महोदय से बात कर लें कि हम नदियों के किनारे पेड़ लगाना चाहते हैं, हम अपने गाँव के तालाब में पेड़ लगाना चाहते हैं, हम उनके किनारे, हम उनको हरा भरा रखना चाहते हैं। पूरा प्रशासन, पूरी सरकार आपके साथ होगी। आप जल संरक्षण का काम करें, पहाड़ संरक्षण का करें, नदियों के संरक्षण का करें। ऑक्सीजन जितना अधिक, जितना बढ़िया और शुद्ध हम देंगे, उतना बड़ा जीवन हमारा होगा। इसलिए जीवन बहुमूल्य है। आज जीवन पर संकट खड़ा हुआ है, वह संकट पृथ्वी का संकट है। हम ये लोग जो देश के लिए मर चुके, उनको अगर हम सम्मानित नहीं करेंगे, जिन्होंने अपने प्राण दे दिया, वो हमारे लिए अमर शहीद हैं, पूजनीय हैं, और उनसे आज की युवा पीढ़ी को सीखना पड़ेगा। भारत की सेना का मनोबल इससे बढ़ेगा और ये सीधे सीधे भारत की सेना को मनोबल को बढ़ाने का भी कार्यक्रम है, राष्ट्रीय क्षेत्र में नौजवानों को आगे करने का कार्यक्रम है। इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के हम लोगों के बीच में है।